हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज सर आप सभी का अपने चैनल हैशटैग फिजिक्स गुरु में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो पूरा रखना जिससे आप कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चन मिनटों में लगा लोगे, चुटकियों में लगा लोगे। आप देखते हैं क्या करना है हमें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा ध्यान दोगे, पूरा वीडियो लास्ट देखोगे अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप यूं ही सेकंडों में सॉल्व करोगे समझ के। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हमें एक रजिस्टर दिया हुआ है, ए से बी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। 3 ओम, 10 ओम, 4 ओम, ऊपर 2 ओम है, नीचे 6 ओम है। ए बी के अक्रॉस ने आपको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये सीरीज में है, पैरेलल में, तब तक आप सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने छोटा ट्रिक है, उसको देखो आप, क्वेश्चन को आप यूं ही सॉल्व कर लो। आइए ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन पे हम लोग। देखो आप, यदि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए होगा ही होगा, क्योंकि बीच में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब ये पॉइंट ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए पॉइंट डी दिया हुआ है। सिमिलरली देखो यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब आप देखो कि ए से कितने रास्ते हैं, बी से कितने रास्ते हैं, बस उसको ऐड करते चले जाओ, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो आप, यदि ये ए है तो एक रास्ता ए से यहाँ गया हुआ है और एक रास्ता ए से यहाँ गया हुआ है, मीन्स ए से 3 ओम और 2 ओम जुड़ा हुआ है। इसी तरह बी से 4 ओम और 6 ओम जुड़ा हुआ है। तो आप ए से लो दो रास्ते बनाओ, अब बी से लो दो रास्ते। देखो 2 ओम ऊपर बना हुआ है तो बना दो, अब ये लो ए ऊपर बना दो आपने, कितना 2 ओम। 3 ओम का नीचे है तो आप नीचे ले लो 3 ओम, ये आपका ए है, यहाँ रखना। ए से दो रास्ते मैंने बना दिए। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, आपका यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट आपका बी है। बी से कितने रास्ते हैं, 4 ओम है और क्या है 6 ओम है। अब एक बात ध्यान दो, ये 2 ओम और 4 ओम एक साथ जुड़े हुए हैं। देखो ये 2 ओम और 4 ओम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 2 ओम है और यहाँ पर ये क्या है 4 ओम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 4 ओम हो गया। 2 और 4 के साथ जो लाइन है उसका नाम क्या है, डी है, ध्यान दो उसका नाम क्या है, डी है। सिमिलरली अब अगला देखो, ये 3 ओम का सेकेंड पार्ट और ये आपका 6 ओम का सेकेंड पार्ट एक साथ लगा हुआ है। देखो 6 ओम का सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये 20 लगा हुआ है, देखो इसको आप ऐसे जोड़ दो, इसका नाम क्या हो गया 6 ओम हो गया, इसका नाम क्या हो गया सी हो गया। अब ध्यान दो आप, सी और डी के बीच में कौन है, 10 है, तो डी ऊपर है सी नीचे है, तो यहाँ क्या जोड़ दोगे आप, ये आपने जोड़ दिया कितना 10 ओम। अब आप एक बात ध्यान दो, तो देखो इनका इनका रेशियो निकालो आप, मान लो ये पी है, मान लो ये क्यू है, मान लो ये आर है, मान लो ये एस है, तो थोड़ा पी बाई क्यू निकालो तो 2/4 क्या आएगा 1/2 आएगा। इसी तरह आप आर बाई एस निकालो तो 3/6 क्या आएगा 1/2 आएगा। अब जब इन दोनों का रेशियो बराबर है, देखो 1/2 1/2 बराबर आ रहा है, तो बीच में कुछ भी करंट नहीं जाएगी, ऐसा कौन कहता है, व्हीटस्टोन कहता है। तो बीच वाले का कोई काम हमको है नहीं, हटा दो उसको आप, रहेगा कोई काम नहीं करने वाला। तो ध्यान दो आप, ये 2 और 4 किसमें है, एक साथ लगे हुए हैं, तो 2 और 4 किसमें जाएंगे आप, किसमें है, ये सीरीज में है। 10 ओम हटा दोगे या फिर घटा दोगे, 2 और 4 किसमें है आपके, ये दोनों सीरीज में है, तो 2/4 कितना हो जाएगा 6 होगा। तो क्या ऐसा बनाओगे आप, ये रहा पॉइंट ए, देखो ऐसा, ये रहा 6, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। इसी तरह तो नीचे देखो आप, 3 और 6 कितने हैं, ये भी सीरीज में है, तो यहाँ से देखो 3 और 6 कितने हैं, सीरीज में है, तो कितना जाएगा ये 9 हो जाएगा। अब ध्यान दो, 3 और 6 किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, अब क्या होता है, R1 R2 upon R1 plus R2, 6 × 9 upon 6 plus 9, कट कर दो इसको आप 54 upon 15। जब इसको फर्स्ट सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आएगी कितनी, इसके अप्रॉक्स में 7.5 ओम। देखो कुछ नहीं करना था, ये हमारा आंसर हो गया, बस थोड़ा ध्यान देना था हमको कि कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि फिर देखने में काफी खतरनाक लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इस तरह से आपको एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल के अंदर आपको क्या दिया हुआ, उसमें दिया हुआ है 3 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है, 30 ओम है, और पॉइंट ए पॉजिटिव सेल है, पॉइंट बी नेगेटिव जुड़ा हुआ है। पूछ रहा है कि क्या होगा आर ए बी, कुछ नहीं करना है इसमें भी। देखो देखो ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट ए होगा क्योंकि कहीं बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। सिमिलरली पॉइंट ए ये भी होगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। ए से कितने रास्ते, ध्यान दो आप, तो देखो ए से एक इसमें आ रहा है, 3 में आ रहा है, ए से एक 6 में भी आ रहा है, और ए से एक 30 में भी आ रहा है, ए से 3 रास्ते जा रहे हैं। बी से कितने रास्ते देखो, यदि ये बी है तो ये बी होगा, तो एक 8 में जा रहा है और दूसरा कहाँ जा रहा है, 30 में जा रहा है, इस पॉइंट का नया नाम ले रहा उठा के सी। तो ए से 3 रास्ते हैं, 3, 6 और 30, बी से 2 रास्ते हैं, 8 और
30, और सी से कितने रास्ते हैं, 1, 2, 3। तो पहले आप ए और बी को बनाओ, अपने आप बन जाएंगे। देखो ध्यान देना यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ए रहा और देखो आपका ये बी रहा। ए से कितने रास्ते हैं एक साथ देखो, 3 और 6 देखो दोनों एक जुड़े हुए हैं, 3 दोनों का एक पार्ट एक जगह है, दूसरा पार्ट एक जगह है, तो दोनों के एक पार्ट को एक जगह रखो ऊपर। देखो ये रहा आपका ऊपर 3 और ये रहा आपका 6, दोनों का एक पार्ट एक जगह हो गया। देखो दोनों का एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट यहाँ है। अब इससे ए से एक और आया है नीचे, 30 आया है। कितना आया है, 30 आया है, 30 बना दो इसको। अब थोड़ा ध्यान दो आप, बी से कितने रास्ते देखो हैं, बी से जो 8 है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, 3 के पास जुड़ा हुआ है, 3 और 6 के पास जुड़ा हुआ है, 3 6 का पार्ट ये है। तो यहाँ पर क्या आपको ये तो ये 8 होगा, ये हो जाएगा आपका 8 हो गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, 1, 2, 3, 4 थे, 3 ऊपर लगे, 4 ये ऐसे जोड़ दो आप। अब देखो ये सॉल्व हो गया। 3 और 6 किसमें है, यदि आप बात करो 3 और 6 किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2, 3 × 6 / 3 + 6 कितना आ गया, 18 / 9 कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 8 बचा। तो फिगर और जब सॉल्व करोगे आप, फिगर को और सॉल्व करोगे तो ऊपर आया है 2, तो ऐसे आएगा 2, ये है 8, ये 8 है और ये 2 है, और नीचे क्या है यहाँ से, ये दो 30 है, ये रहा पर बी। इसका नाम क्या है, एच, और इस पॉइंट नाम सी देना, क्योंकि सी से 3 रास्ते हैं, 3 6 8 देखो 3 6 8, इसका नाम क्या है, 30 है। अब देखो ये दोनों किसमें हैं, 2 और 8 किसमें हैं, सीरीज में है। सीरीज का क्या हो जाएगा, 2 + 8 = कितना, 10 हो जाएगा। अब 10 और ये किसमें हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये फिगर और सिंपल होगा आपका, फिगर और सिंपल होगा, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो गया 30। सॉल्व कर दोगे इसको, सॉल्व करने क्या मिलेगा, R1 R2 30/30 + 10 क्या हो जाएगा, देखो 300/40 क्या, 40। अब कट कर दो इसको आप, और कट कर दो इसको आप, थोड़ा उसको और कट करो, तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, 7.5 ओम। एक चीज और, पीछे क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये थोड़ा गलती हुई थी, कट करने में वैल्यू थोड़ा रॉन्ग हो गई है। कट करोगे आप इसको, आप कट करो उसको, 3 1 3 और 8 बचा, और यहाँ कट करोगे 5 5 3 जाए, यानी 3.6 आएगा आंसर, आगे सेम हो गया था यहाँ पर, 3.6 ओम ही इसका आंसर का, और इसका क्या आएगा, 7.5 ओम आ गया। ये दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल तब हो गया जब हमने थोड़ा ध्यान दिया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको बोलते हैं स्केलेटन प्रॉब्लम, वो भी सिंपल था, देखने बहुत टफ लगता है वो सिंपल क्वेश्चन। ये देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्यूब है, खोखला क्यूब, जैसे बोलते हैं स्केलेटन क्यूब प्रॉब्लम। एक क्यूब है जिसमें इक्वली रेजिस्टेंस, मेरे पास 12 रजिस्टर है, सबका रजिस्टेंस इक्वल है 1 ओम, ठीक है। हमें इस डायगोनल के क्रॉस, या तो एडी के क्रॉस निकालना हो या तो इसके क्रॉस निकालना हो, पूछ रहा है टोटल कितना होगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन देखने बहुत खतरनाक लगते हैं, लेकिन एक्चुअली सच मानो थोड़ा ध्यान दोगे आप, बहुत आराम से आप लगा लोगे, कुछ नहीं करना है। देखो यार ये बैटरी 10 वोल्ट की है, आपको यहाँ सपोज करना होगा, हमने मान लिया कि मेरे पास यहाँ से 6 I मैंने करंट दिया हुआ है। आपको पूछा 6 I क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 3 रास्ते बटे हुए हैं, कितने रास्ते बटे, 3 रास्ते, तो यहाँ 2 I जाएगा, 2 I जाएगा, 2 I बराबर क्यों जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है। अब कोई कहेगा कि 6 I क्यों लिए, 3 I ले लो, 3 I लोगे तो वो भी चलेगा, तो ऊपर I आएगा, लेकिन आगे क्या दिक्कत आ जाएगी तुम्हें मानने में, पता है। अब देखो यहाँ से 2 I लिए हो तो आगे 2 रास्ते मिलेंगे, यहाँ यहाँ, तो I ऊपर जाएगा, I इधर जाएगा। यदि आप 3 I लेते तो क्या होता है पता है, I, अब यहाँ पर I by 2 करते, मतलब कैलकुलेशन में हमको दिक्कत होती, इस कैलकुलेशन को दिक्कत ना हो, हमने क्या किया, 6 I आप लेट किए हो, ये आपके ऊपर है, हमने 6 I लेट किया हुआ, क्योंकि सब इक्विवेलेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा इक्विवेलेंट आते हैं। तो 2 I यहाँ से भी आ रहा है, देखो अब ये ऊपर जाएगा I, क्योंकि 2 रास्ते हैं, I यहाँ बढ़ जाएगा। अब देखो इसमें से I यहाँ आ रहा है, इसमें से I यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, 2 I जाएगा। आप क्या करो, बस आंख बंद करके इसमें आप KVL लगा दो, कहां पर, ABCD और वापस A पर, अप्लाई KVL इन ABCDA, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें आप, अप्लाई KVL इन लूप, कौन से लूप में, देखो आप ABCD फिर A में हो, इसमें आप क्या कर दो, समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज = 0 लगा दो, सिंपली सॉल्व होगा, ध्यान देना साहब। देखो करंट डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, तो -2 I × इसका R कितना है, अभी R ले लो, यहां से हो गया
देखो ये हो गया, अब यहाँ पर आ जाओ, एक क्लोज लूप मैंने लिया बाहर बाहर का डायगोनल से। अब देखो यहाँ पर आओ, यहाँ क्या है I इंटू आर है, तो माइनस I इंटू आर, माइनस क्यों, क्योंकि करंट डायरेक्शन में है। यहाँ पे आओ देखो 2I इंटू आर, तो माइनस में क्या 2I इंटू आर। यहाँ आगे वापस देखो आओ, माइनस टेन से प्लस टेन है, कम से अधिक, तो प्लस टेन इक्वल टू क्या जीरो, यही पढ़ के आए हो आप। अब क्या करो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, माइनस टू माइनस टू माइनस आई, माइनस फाइव आई आर इक्वल टू कितना माइनस टेन, माइनस कट जाएगा। यदि आप यहां से आई निकाल पाओ तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, टेन बाई फाइव आर मिलेगा। इसको एक्सप्रेशन फर्स्ट मान लो, आई इक्वल टू क्या मिलेगा टेन बाई फाइव आर, बहुत सिंपल सा है। अब मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट कर ले रहा हूँ इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आर है, ये मैंने क्या किया है लेट कर लिया है, जो आर है ये क्या है, ये टोटल है, टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस सिस्टम का, ठीक है। तो बाई ओम्स ला आपने देखा है, बाई ओम्स ला क्या V इक्वल टू आई आर। चलो देखो V कितना है इसका, ये V देखो कितना लिया है मैं, 10 लिया है, तो 10 इज इक्वल टू हमने कितना करंट मेजर किया था, सपोज किया था 6I, तो आप लिख लो यहाँ पर क्या 6I, और R को R लिख लो। एक बार यहां से भी I निकाल लो, तो जब आप यहां से I निकालोगे तो क्या होगा 10 अपान में 6R आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये 2। फ्रॉम 1 में देखो, 1 में I इक्वल टू कितना आया है, और 2 में देखो I इक्वल टू 10 बाई 6R आया है, दोनों I हैं बराबर कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को बराबर कर दो आपको, तो क्या मिल जाएगा 10 बाई 5R इज इक्वल टू 10 बाई 6 कैपिटल R। 10 10 कट हो गया, कैपिटल R आपको निकालना है, हमने वही लेट किया हुआ है, कैपिटल R को उठा के इधर फेंक दो, तो कैपिटल R इक्वल टू क्या आएगा 5 बाई 6 इंटू आर, हमने शुरू में दिया है सब सारे R जो कि दुखा कितने हैं एक है 1 ओम है, तो R की वैल्यू उठाकर पुट कर दो यहाँ पर, तो R कितना मिल जाएगा 5 बाई 6 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो R इक्वल कितना आ गया 5 बाई 6 इतना ओम। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, यदि आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, एक बार पुश करके लगाना, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ध्यान देने की जरूरत है, जितना टफ लगता है ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं, मैक्सिमम पूछ लेते हैं नीट में जेई में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसी आर को 2R 3R 4R सारे सेम देंगे, इक्विवेलेंट देंगे, वो बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।